वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस कैसे हैं आप सभी लोग मैं सचिन अरोड़ा आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के ऑफिशियल केम पे तो आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे मस्त होंगे स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे तो स्वागत है गाइस सुबह के आठ बज चुके हैं और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 8 ए एम शो में डेली आपके साथ सचिन अरोड़ा सर यहां पर आते हैं और कंप्यूटर के बहुत दिलचस्प सेशंस like, के साथ साथ टॉपिक्स के साथ साथ बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी हम लोग यहां पर करते हैं देखिए आरआरबी क्लर्क मेंस को लेकर ये बैच स्टार्ट हुआ है यानी ये सेशन स्टार्ट हुआ है आपके सामने जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और आज इसका है डे टू आई होप कि आपने इसको डे वन को देखा होगा देखिए अगर आपने डे एट तक कंप्लीट कर लिया यानी इन एट डेट टॉपिक्स को आपने कंप्लीट कर लिया तो विश्वास मानिए कि ऐसा कोई भी पार्ट नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा राइट right? तो इन सेशन को बहुत अच्छे से देखिएगा क्योंकि ये थ्योरिटिकल सेशन है और इसके साथ साथ ये आपके जो सेशन हो रहे हैं इसमें हम क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं फटाफट से लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा और इन सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर कोई भी आपसे पूछ ले

और ये है आपके प्रिंटर रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन आप लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर में जरूर देखा होगा 2013 से लेकर 2019 तक जो मैंने डिस्कस किया आपके साथ में। वहाँ पर हर एक एग्जाम में हर एक सेक्शन में प्रिंटर के बारे में पूछा गया था चाहे वो प्रिंटर की स्पीड हो चाहे वो प्रिंटर के टाइप से हो चाहे वो प्रिंटर की वर्किंग से रिलेटेड हो या फिर डिफरेंस से रिलेटेड हो यानी प्रिंटर से रिलेटेड क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज वो सब मैं फ्रेम आउट करके लेकर आया हूं और इसके साथ साथ सिर्फ क्वेश्चन नहीं कॉन्सेप्ट भी आप लोग सीखेंगे सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का महेंद्र स्नेहा राहुल रावत प्रज्ञा सिंह प्रज्ञा सिंह कह रही सर आप संडे को भी क्लास लेते हैं देखिए संडे उनके लिए है जिनका एग्जाम नहीं है ना तो आपका एग्जाम है और आपके एग्जाम में फुल क्वालिफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है हमारी है ये सिर्फ आपका एग्जाम नहीं है ये एग्जाम आपके फैकल्टी का भी है आपके टीचर का भी है और आपके मेंटर का भी है ना चलिए फटाफट से जुड़ जाइए बिल्कुल ज्योतिमा गुप्ता बीना त्रिपाठी आकाश शर्मा जतिन सोनी आप सभी का स्वागत है हरिओम सोनी नंदन सोनकर विनोद कुमार रविंद्र सिंह चलिए सो so, देखिए प्रिंटर अब आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए ये मानिए कि आप प्रिंटर बनाने में एक्सपर्ट हैं आपके घर में एक प्रिंटर है है ना एक इस तरीके से आप एज्यूम करिए अपने माइंड में फिर देखिए कितने अच्छे से आपको ये टॉपिक समझ में आता है प्रिंटर की बात करें आप लोग जानते हैं हर ऑफिस में प्रिंटर होता है बैंक में आप जाने वाले हैं बैंक में भी कोई ना कोई प्रिंटर यूज हो रहा होगा हर घर में भी आजकल प्रिंटर होता है क्योंकि प्रिंटर एक बेसिक नेसेसिटी बन चुकी है लैपटॉप के साथ साथ राइट तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर ये यह आता है कि प्रिंटर जो है वो किस तरीके की डिवाइस है सर ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल आपने सही कहा सिंपल से ही हम स्टार्ट करेंगे प्रिंटर आपकी आउटपुट डिवाइस है हार्डवेयर डिवाइस है और इसके साथ साथ ये पेरीफेरल डिवाइस भी है क्लियर है गाइस तो प्रिंटर कैसी है यानी डिवाइस के टाइप की बात करें तो हार्डवेयर इज दी करेक्ट आंसर पेरिफेरल इज दी करेक्ट आंसर और आउटपुट इज दी करेक्ट आंसर अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा तो क्वेश्चन एग्जाम में ये वाला इस तरीके से आता है आपके एग्जाम में कि प्रिंटर इज विच टाइप ऑफ डिवाइस ऑप्शन में होगा हार्डवेयर पेरिफेरल या आउटपुट और फोर्थ ऑप्शन में होगा ऑल ऑफ दीज तो आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दीज क्लियर है सेकेंड क्वेश्चन प्रिंटर जो है वो कन्वर्ट करता है किसको किस में तो प्रिंटर आप जानते हैं कि आपके कंप्यूटर की किसी भी फाइल को प्रिंट देने के लिए कंप्यूटर काम करता है इसका मतलब बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर हम बोलें तो ये सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में प्रिंट करने में यानी कन्वर्ट करने में मदद करता है ना किसको किस में ध्यान से सुनिएगा सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में आप सब लोग जानते हैं कि आपके कंप्यूटर में जो फाइल्स हैं वो सॉफ्ट कॉपी हैं और जब आप उसको प्रिंट करते हैं तो वो एक पेपर के फॉर्म में आ जाता है और वही पेपर फॉर्मेट क्या होता है हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी को हम टच नहीं कर सकते यानी इनटेंजिबल होता है और हार्ड कॉपी को हम टच कर सकते हैं मतलब टेंजिबल होता है तो कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि प्रिंटर कन्वर्ट और ऑप्शन में लिखा होता है इनटेंजिबल कॉपी टू अ टेंजिबल कॉपी है ना तो ये भी सही जवाब है यानी या तो ऑप्शन में मिलेगा सॉफ्ट कॉपी टू टू हार्ड कॉपी या तो आंसर में मिलेगा इनटेंजिबल कॉपी है ना टू टेंजिबल कॉपी क्लियर है वेरी गुड अगला प्रिंटर के पापा का नाम बताइए प्रिंटर के पापा का नाम बताइए हु इज नोन एज दी फाउंडर ऑफ प्रिंटर तो अपने जॉन भाई हैं है ना जॉनस गटनबर्ग जॉनस गटनबर्ग देखो प्रिंटर कैसे याद रखना है ये नाम जे जी के नाम से याद रखिए जे जी आजकल तो हम लोग जी पार्ले के भी आगे लगा देते हैं है ना पार्ले जी बुलाते हैं उनको इतनी रिस्पेक्ट देते हैं तो प्रिंटर के पापा को भी रिस्पेक्ट दीजिए और क्या बुलाइए जे, जे जी मतलब जॉनस और जी मतलब गटनबर्ग याद हो गया वेरी गुड बहुत बढ़िया अगला पॉइंट ये तो अभी तक हम लोग ने क्या क्या देखा कि प्रिंटर आपकी पेरिफेरल डिवाइस है प्रिंटर आपकी आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर आपकी हार्डवेयर की डिवाइस भी है फिर हम लोग ने ये देखा कि प्रिंटर कन्वर्ट करता है किसको किस में तो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए प्रिंटर का इस्तेमाल होता है जबकि अगर हम इसको पलट दें ना और हम आपसे पूछें कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल सही दी करेक्ट आंसर इज स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं किसका इस्तेमाल करते हैं स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं क्लियर है साथ ही साथ हम लोगों ने इसके पापा का नाम भी जाना जॉनस गटनबर्ग जेजी के नाम से जाना जाता है अगला क्वेश्चन दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर कौन सा है नेम द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर है ना तो आप याद रखिएगा ये जो प्रिंटर है और सबसे पावरफुल और पहली कंपनी जो प्रिंटर में है वो है एप्सॉन देखा होगा आप लोग ने कई जगह पर एप्सॉन का प्रिंटर ही होता है और सबसे बेस्ट प्रिंटर भी आपका एप्सॉन का माना जाता है क्या यह बात क्लियर है बिल्कुल तो आंसर क्या है ईपी वन जीरो वन ज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर ईपी फर्स वन जीरो वन इज दस्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर इन्वेंटेड बाई किसने इसको इन्वेंट किया तो आंसर है एप्सॉन के द्वारा इसको प्रिंट किया गया यानी ये प्रिंटर कौन सा था एप्सॉन का था और एप्सॉन कहा की कंपनी है ये भी याद रखिएगा दैट इज अपानीज कंपनी कहां की है जापान की है क्लियर है वेरी गुड अगला सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर प्रिंटर कितने तरीके के होते हैं तो आंसर आप लोग जानते हैं अगर हम इसको ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो प्रिंटर आपके दो तरीके के होते हैं कौन कौन से एक इंपैक्ट प्रिंटर और दूसरा आपका प्यारा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है ना कौन कौन से हो गए इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट क्लियर है यहां तक वेरी गुड अब देखो अगर हम इम्पैक्ट और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के डिफरेंस की बात करें तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में? Printer वो डायरेक्टली आपके इंक से कांटेक्ट करता है यानी पेपर और प्रिंटर में डायरेक्टली अगर कांटेक्ट होता है तो वो इंपैक्ट है और पेपर और प्रिंटर में अगर डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं होता तो वो आपके नॉन इंपैक्ट है फिर से ध्यान से सुनिएगा वो प्रिंटर जिसमें पेपर और प्रिंटर में कांटेक्ट होता है आपस में वो इंपैक्ट है और वो प्रिंटर जिसमें पेपर और प्रिंटर में कोई आपस में इंटरेक्शन नहीं होता कोई आपस में कॉन्टैक्ट नहीं होता वो प्रिंटर आपके नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में आते हैं क्लियर हो गई दोनों की बात इसको हम लोग एग्जाम्पल की मदद से भी अभी देखेंगे कि ये कैसे काम करते हैं सबसे पहले चलते हैं आगे और जानते हैं इंपैक्ट प्रिंटर के टाइप्स के बारे में वेरी गुड बहुत बढ़िया सोहिनी इम्पैक्ट प्रिंटर में टच होता है वेरी गुड अब सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि सर इंपैक्ट प्रिंटर होते कितने तरीके के हैं तो ब्रॉडली अगर हम बात करें और आर भी, भी कितने तरीके से मानता है तो आंसर है आर कहता है तीन तरीके के होते हैं आपके इंपैक्ट प्रिंटर कौन कौन से पहला है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पहला कौन सा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर दूसरा प्रिंटर है आपका डेजी व्हील प्रिंटर और तीसरा प्रिंटर है लाइन प्रिंटर तो यानी इंपैक्ट प्रिंटर को ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है तीन तरीके में डॉट मैट्रिक्स डेजी व्हील और लाइन प्रिंटर क्लियर है याद कैसे रखना है इसके लिए भी एक ट्रिक मैं बता देता हूं DDLG मूवी देखी होगी आपने दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे है ना बस जी हटा दीजिए और आंसर आपके पास में है है ना तो इसको रिस्पेक्ट मत दीजिए सिर्फ डी डी एल इज मैट्रिक्स डी डेजी व्हील डी और एल से हो गया लाइन प्रिंटर क्लियर है अब देखो इन तीनों के बारे में तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे लेकिन कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि नीचे दिए हुए ऑप्शन में इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है या इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा नहीं है इसके लिए आपको यह भी जानना जरूरी है कि कुछ और तरीके के भी आपके इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो प्रिंटर कौन कौन से हैं देखते हैं फोर्थ नंबर पे आता है बैंड प्रिंटर फिफ्थ नंबर पे आता है चेन प्रिंटर और सिक्स नंबर पर आता है ड्रम प्रिंटर इसको बी सी डी के फॉर्मेट में मैंने अल्फाबेट में अरेंज किया है ताकि आपको याद करने में और आपके ब्रेन पर ज्यादा प्रेशर ना पड़े बी सी डी मतलब बी से सी से चेन और डी से ड्रम, है ना? तो बैंड चेन और ड्रम ये तीन नाम और याद रखिएगा यानी टोटल अगर हम देखें तो टोटल सिक्स तरीके के हो गए आपके इम्पैक्ट प्रिंटर लेकिन किंतु परंतु अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि इंपैक्ट प्रिंटर कितने तरीके के होते हैं तो आंसर होगा तीन तरीके के डॉट मैट्रिक्स डेजी बिल और लाइन बाकी के जो आपको तीन दिख रहे हैं वो इन्हीं के क्लासिफिकेशन है कहीं ना कहीं बात समझ में आ रही है तो ब्रॉडली क्लासिफाई जो आपके इंपैक्ट प्रिंटर हैं वो तीन ही तरीके के हैं और फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ ये इनके सब क्लासिफिकेशन है तो डीडीएल बीसीडी आपको याद रखना है ये इसलिए याद रखना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे कि इनमें से इंपैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल कौन सा है और इनमें से इंपैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है तो उसमें आपको ये नाम काम आएंगे बात क्लियर हो गई आगे बढ़ते हैं वन बाय वन नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के टाइप्स कौन से होते हैं इनके बारे में भी जान लेते हैं जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कौन से प्रिंटर होते हैं ऐसे प्रिंटर जो डायरेक्टली पेपर से टच नहीं करते दैट कम्स अंडर दी कैटेगरी ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और अगर ये टच नहीं करेंगे तो इसका मतलब इनकी जो स्पीड है वो इंपैक्ट प्रिंटर से क्या होगी फास्ट होगी तो इसका मतलब बेटर प्रिंटर कौन से होंगे नॉन इंपैक्ट प्रिंटर आर ऑलवेज अ बेटर प्रिंटर इफ वी कंपेयर द सेम विद द इम्पैक्ट प्रिंटर अगर हम नॉन इंपैक्ट प्रिंटर को इंपैक्ट प्रिंटर से कंपेयर करें तो इनकी स्पीड जो है वो काफी तेज होती है क्वालिटी भी इनकी अच्छी होती है रेजोल्यूशन भी इनका बेहतरीन होता है क्लियर है आगे देखो अब इसमें कितने नाम आएंगे तो अगेन नॉन इंपैक्ट प्रिंटर आपके तीन तरीके के होते हैं कौन कौन से नंबर वन थर्मल प्रिंटर नंबर टू इंकजेट प्रिंटर एंड नंबर थ्री पेश है खिदमत में दैट इज लेजर प्रिंटर और ये सभी प्रिंटर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं कई सारे क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे और अभी आप देखिएगा कितने मक्खन के तरीके से आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे है ना तो अभी हम लोग इसको बहुत प्यार से समझेंगे सुधाकर प्रताप जी वेरी गुड मॉर्निंग चलो क्लियर है अब इसको याद कैसे करें इसकी शॉर्ट ट्रिक भी देख लेते हैं टिल हाँ ना बस स्टिल याद रखो यानी टी से थर्मल आई से इंक जेट और एल से लेजर ये फर्दर क्लासीफाई नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ तीन ही कैटेगरी में आपके सामने पेश है यानी इंपैक्ट भी बेसिकली तीन तरीके के हैं लेकिन उसको छह तरीके में कन्वर्ट कर दिया गया है और नॉन इंपैक्ट भी आपके तीन तरीके के ही हैं इंपैक्ट का जरा नाम बताइए कौन कौन से हैं फटाफट नाम बताइए इंपैक्ट प्रिंटर कौन कौन से बिल्कुल सही सर डी डी एल बीसी छ इंपैक्ट प्रिंटर सर टी आई एल इज शानदार। अब है स्पीड ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड इन अभी जितने भी प्रिंटर के दर्शन सचिन अरोड़ा सर ने करवाए आपको इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल नॉलेज लेंगे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी डिस्कस करेंगे लेकिन उससे पहले चर्चा करते हैं कि प्रिंटर की स्पीड को किसमें नापा जाता है स्पीड ऑफ दी प्रिंटर इज मेजर्ड इन बताइएगा और ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा आर मेंस में भी यहां से एक क्वेश्चन बना था अब देखिए जरा ध्यान से पहला आंसर निकल के आता है डीपीआई यानी डॉट पर इंच लेकिन किंतु परंतु यहां पर आपको एक बात बहुत अच्छे से याद रखनी है डीपीआई जो होती है ये प्रिंटर की स्पीड नहीं होती है बेसिकली ये रेजोल्यूशन होता है प्रिंटर का यानी अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रिंटर के रेजोल्यूशन को किसमें मेजर करते हैं तब इस केस में आंसर आपका बनने वाला है गाइस DPI डॉट पर इंचस बात समझ में आ गई कंफ्यूज मत होना ये स्पीड नहीं है ये रेजोल्यूशन है अब रेजोल्यूशन और स्पीड में क्या अंतर होता है समझिएगा रेजोल्यूशन मतलब कि उसकी क्वालिटी है ना तो डॉट पर क्वालिटी मेजर करने का तरीका है है ना कई बार इसको स्पीड में भी हम यूज कर लेते हैं इसमें कोई शक नहीं इसमें कोई दो नहीं लेकिन आरआरबी के एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या लिखा होगा रेजोल्यूशन ऑफ अ प्रिंटर इज इन और आप सही आंसर लगाकर आएंगे डीपीआई डॉट पर इंच क्लियर है। अगला सेकंड है आपका सीपीएम यानी करेक्टर पर मिनट कई बार इसको सेकंड से भी नापा जाता है तो यानी अब एग्जाम में करेक्टर पर मिनट दिया हो या करेक्टर पर सेकंड दिया हो ये दोनों ही सही है यानी सीपीएम या सीपीएस ये दोनों ही सही है अगला तीसरा है आपका पीपीएम यानी पेजेस पर मिनट जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पीपीएम से क्वेश्चन आपको इस बार जरूर मिलेगा लिख के रख लीजिए है ना लिख के रख लीजिए ये क्वेश्चन आपको मिलेगा पीपीएम से क्वेश्चन क्या मिलेगा इस पे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे पहले ये तीनों स्पीड एक बार देखिए डीपीआई रेजोल्यूशन हो गया सीपीएम पीपीएम आपकी क्या हो गई स्पीड हो गई अब कैरेक्टर पर सेकंड भी हो सकता है पेजेस पर सेकंड भी हो सकता है पेजेस पर मिनट भी हो सकता है क्लियर है आगे बढ़ते हैं शानदार बहुत बढ़िया अब हम लोग एक एक करके परत दर परत डिस्कस करेंगे अलग अलग प्रिंटर पर तो सबसे पहले इस अध्याय में शुरू करते हैं डेजी व्हील प्रिंटर हाथ जोड़ के स्वागत करिए डेजी व्हील का जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा है डेजी व्हील डेजी व्हील प्रिंटर की सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है जो कभी भी नहीं भूलनी है वो क्या है ये मात्र एक ऐसा प्रिंटर है जो ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता ये मात्र एक ऐसा प्रिंटर है जो ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता और यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा डेजी व्हील प्रिंटर का है ना यानी यह सिर्फ टेक्स्ट के फॉर्म में ही प्रिंट कर सकता है ग्राफिक यानी इमेजेस को प्रिंट करने में यह कैपेबल नहीं है यह है आपका प्यारा व्हील प्रिंटर ठीक चलो इसके बारे में डिटेल में देखते हैं जरा वर्क सेम एस टाइप राइटर अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो टाइप राइटर के तरीके से काम करता है जो हम शक्ल है तो आंसर है डेजी भैया है ना डेजी व्हील प्रिंटर इज द करेक्ट आंसर अगला कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक्स जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि डेजी व्हील प्रिंटर की सबसे 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 अच्छी क्वालिटी क्या है कि ये ग्राफिक यानी इमेजेस को प्रिंट नहीं कर सकता और यही आपके एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है आगे बढ़ते हैं स्पीड ऑफ डेजी व्हील प्रिंटर इज मेजर्ड इन डेजी व्हील प्रिंटर की स्पीड को किसमें नापा जाता है तो आंसर है सीपीएस में यानी करेक्टर पर सेकेंड में इसकी स्पीड को नापा जाता है किसमें नापा जाता है गाइस सीपीएस यानी करेक्टर पर सेकेंड स्पीड बेसिकली कितनी है तो आंसर है टेन टू सेवेंटी फाइव सीपीएस ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं इसलिए मैंने खास तौर पर यहां पर स्पीड आपके सामने लिखी है दैट इज टेन टू सेवेंटी फाइव करेक्टर पर सेकेंड क्लियर है यहां तक कोई डाउट ये बात हो गई डेजी व्हील को लेकर अब बात करते हैं डॉट मैट्रिक्स ये जितने भी पॉइंट मैंने यहां पर मेंशन किए हैं इन पॉइंट्स को रट लेना भूलना नहीं क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन अभी आपको मैं दिखाऊंगा इन्हीं से ही बनेंगे अगला है आपका प्यारा राजदुलारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डेज़ी व्हील के बाद डॉट मैट्रिक्स सबसे पुराना प्रिंटर अगर कोई है तो वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यानी अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ओल्डेस्ट टाइप का प्रिंटर कौन सा है सबसे पहला प्रिंटर कौन सा बना इन सभी केसेस में आंसर क्या होने वाला है डॉट मैट्रिक्स दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा डॉट कहें या, बात है. या बात है. तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा यहां पर हैमर और रिबन का यूज किया जाता है किसका यूज किया जाता है हैमर यानी हथोड़ी का और रिबन का यूज साथ में किया जाता है प्रिंट करने के लिए अब डॉट मैट्रिक्स का इस्तेमाल नहीं होता है डेजी व्हील का भी इस्तेमाल नहीं होता है लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए यह पढ़ना इंपॉर्टेंट है चलिए जानते हैं एक एक करके इनके बारे में पहला यूज हैमर एंड रिबन टू क्रिएट द इमेजेस यानी हैमर और रिबन का प्रयोग होता है इमेजेस को क्रिएट करने के लिए इमेजेस को बनाने के लिए क्लियर है याद कर लीजिए डॉट मैट्रिक्स का मतलब हैमर यानी हथोड़ी और रिबन हैमर रिबन हैमर रिबन डॉट मैट्रिक्स आगे बढ़िए स्पीड ऑफ दी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज मेजर्ड इन इसकी स्पीड किसमें मेजर करते हैं तो अगेन द आंसर इज़ कैरेक्टर पर सेकंड में अगेन द आंसर इज़ कैरेक्टर पर सेकंड और स्पीड बढ़कर कितनी हो गई 50 से 500 सीपीएस 50 से 500 CPS हंड्रेड 50 है। फिफ्टी से फाइव हंड्रेड तरीके के, प्रिंटर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कौन कौन सा जरा ध्यान दीजिएगा डॉट मैट्रिक्स हो गया और डेजी व्हील हो गया पहले हमने डेजी व्हील के बारे में बताया जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था कि यहां पर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं हो सकता डेजी व्हील डॉट मैट्रिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सबसे पहला प्रिंटर है और सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हैमर और रिबन का यूज होता है हैमर और रिबन का यूज होता है रट जाना चाहिए दोबारा इस वीडियो को देखने की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए ध्यान से समझिएगा हैमर और रिबन का यूज होता है डॉट मैट्रिक्स में अब अगला आ गया आपका थर्मल प्रिंटर यहां से जरूर और जरूर क्वेश्चन बनेगा बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखिएगा थर्मल प्रिंटर हम सबका बहुत ही प्यारा प्रिंटर है जगह जगह पर इसके दर्शन होते हैं चाहे वो मॉल हो चाहे बस कंडक्टर भाई साहब के हाथ में पकड़ा हुआ वो जो प्रिंटर टाइप का होता है जिससे वो टिकट 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 देते हैं है ना और आप टिकट 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 लेते हैं तो वही प्रिंटर आपका कौन सा है थर्मल प्रिंटर है यानी मॉल में लगा हुआ कंडक्टर भाई साहब के पास पॉइंट ऑफ सेल मशीन में यूज होने वाला और एटीएम मशीन में यूज होने वाला प्रिंटर और कोई नहीं आपके सामने है थर्मल प्रिंटर ठीक अब इन सब बातों से क्या निष्कर्ष निकलता है सोचिए अगर एटीएम मशीन की बात करें मॉल की बात करें सर एक चीज बताइए इनमें कभी भी हमने कलर प्रिंटिंग नहीं देखी देखिए किसी ने बताओ किसी ने एटीएम मशीन से कलर्ड प्रिंट निकलते हुए देखा है अब तो वैसे प्रिंट बंद हो गया है काफी केस में है ना एनवाइ फ्रेंडली के चक्कर में तो बेसिकली जो कैसे निकलता है यानी ब्लैक एंड व्हाइट ही निकलता है तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछें कि ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करता है सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करता है थर्मल लगा दो दूसरा ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो कलर प्रिंटिंग के लिए नहीं बनाया गया थर्मल प्रिंटर लगा दो बात समझ में आ रही है तो यानी पॉइंट ऑफ सेल अगर दिमाग में रहेगा एटीएम मशीन दिमाग में रहेगी तो आंसर आ जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसमें इंक की आवश्यकता नहीं होती ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसमें इंक की आवश्यकता नहीं होती नेम दैट प्रिंटर इन विच देयर इज नो नीड ऑफ इंक सर ये क्या बात कर रहे हैं प्रिंटर है लेकिन इंक नहीं जी हां जनाब यही बात बिल्कुल सही है प्रिंटर है लेकिन इंक नहीं और यही खास बात है थर्मल प्रिंटर की क्योंकि इस प्रिंटर के केस में जो कागज है ध्यान रखिएगा जो पेपर है उसी में ही आपकी इंक इनबिल्ड होती है प्रिंटर में इंक नहीं होती है ना और इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको दे सकता हूं जो आ, आपके इलेक्ट्रिक बिल्स आते हैं है ना जो घर में बिल आते हैं इलेक्ट्रिक बिल्स जिनको हम बोलते हैं या फिर एटीएम मशीन से जो स्लिप निकलती है इनको थोड़ा सा नीचे है ना माचिस लगा के देखिएगा यानी हीट प्रोड्यूस करके देखिएगा तो वो ब्लैक हो जाएगा पेपर ब्लैंक पेपर भी अगर होगा तो वो ब्लैक हो जाएगा क्योंकि पेपर में ही इंक होती है प्रिंटर में इंक नहीं होती थर्मल प्रिंटर के केस में क्या यह बात समझ में आई क्या यह बात समझ में आई चलो एक बार ध्यान से पढ़ भी लेते हैं तो पेश है खिदमत में पहली लाइन डू नॉट रिलाई ऑन इंक टू प्रिंट यानी ऐसा प्रिंटर जिस पर इंक पर बेस आप नहीं है वो है आपका राजदुलारा थर्मल प्रिंटर क्लियर है अगला थर्मोक्रोमिक पेपर इज यूज अगेन इंपॉर्टेंट अब अगर इसके पेपर में ही इंक है अब अगर थर्मल प्रिंटर के पेपर में ही इंक है तो इसका मतलब ये पेपर बहुत ही खास तरीके से बनाया गया तो इस पेपर को क्या कहा जाता है याद रखिएगा नाम से जाना जाता है थर्मोक्रोमिक पेपर के नाम से जाना जाता है क्लियर है हा देखो सोहिनी जी ने कितनी मजेदार बात लिखी है बिल्कुल सही कि ये प्रिंटर की खास बात ये भी होती है कि इसमें जो प्रिंट करके जो कैरेक्टर आपके सामने पेश होते हैं वो उड़ भी जाते हैं है ना जैसे कि आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा कि एटीएम मशीन की जो रिसिप्ट निकलती हैं आपने बड़ी ही शिद्दत के साथ उसको अपने जेब में रखा अपने वॉलेट में रखा अपने पर्स में रखा है ना कहीं पर बेड के नीचे रख दिया लेकिन कुछ समय के बाद जब आपकी निगाह फिर से उस पर गई तो वो खाली था है ना वो ब्लैंक हो चुका था इसका मतलब कि इसमें लिखे हुए जो करेक्टर्स हैं वो टेम्परेरी होते हैं कैसे होते हैं टेम्परेरी होते हैं मतलब कुछ समय के बाद स्वाहा हो जाते हैं क्या हो जाते हैं स्वाहा हो जाते हैं तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसमें लिखे हुए डॉट या जिसमें लिखे हुए करेक्टर स्वाहा हो जाते हैं तो वो भी क्या है थर्मल है Clear है, वेरी गुड आगे देखो यूज हीट इंस्टेड ऑफ इंक टू प्रिंट यहां पर इंक की आवश्यकता तो होती नहीं तो किसका यूज किया जाता है आंसर है जनाब का यूज यहां पर करते हैं की जगह पर जब पेपर को हीट लगती है तो उसके जो इंक जो उस पेपर में लगी होती है वो उभर के आ जाती है सामने और प्रिंट हो जाता है क्लियर है अगला यूज इन एटीएम मशीन ये लीजिए और पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल एटीएम तो आप सब जानते हैं यानी बैंक के केस में इसका इस्तेमाल किया जाता है और पीओएस टर्मिनल का मतलब पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल है ना जैसे मॉल्स की बात करें एयरपोर्ट्स की बात करें तो वहां पर जितने भी रिसीप्ट आपको मिलती हैं अलग अलग तरीके की वो सब पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल होते हैं और इन सब जगह पर थर्मल प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच प्रिंटर इज यूज इन बैंकिंग पर्पज अब देखो बैंक में दो तरीके के प्रिंटर यूज हो सकते हैं एक तो बैंक के अंदर जो प्रिंटर यूज हो रहा है और दूसरा एटीएम मशीन में तो अब कंफ्यूजन हो जाता है कैंडिडेट को कि सर अगर बैंक में ये क्वेश्चन पूछें कि विच प्रिंटर इज यूज इन बैंकिंग इंडस्ट्री तो आंसर क्या लगाएं एटीएम मशीन वाला आंसर लगाएं कि बैंक के अंदर रखा हुआ आंसर लगाएं अब क्वेश्चन है बैंक के अंदर कौन सा प्रिंटर यूज होता है है ना ये भी देखो आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ध्यान से समझिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जितनी भी बैंकिंग इंडस्ट्री है वो सस्ता मद्दा टिकाऊ प्रिंटर यूज करती है जिसका नाम है इंकजेट प्रिंटर कौन सा प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर सस्ता भी सुंदर भी टिकाऊ भी सुशील भी है ना ऐसा प्रिंटर है आपका इंकजेट इसका मतलब कि अगर बैंक में यूज होने वाले प्रिंटर का नाम पूछा जाए तो इंकजेट होगा और अगर एटीएम मशीन में इस्तेमाल किए जाने वाले 돼, yeah. प्रिंटर का नाम पूछा जाए तो क्या होगा थर्मल भाई साहब होंगे है ah, ना? यानी थर्मल प्रिंटर होगा क्या यहां तक क्लियर है क्या यहां तक क्लियर है चलो अगर क्लियर है तो एक बार देके बताइए तो सर क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है. चलो अगला मैक्सिमम स्पीड यानी थर्मल प्रिंटर की मैक्सिमम स्पीड कितनी है आंसर है 88 एट एम एम पर सेकेंड एम एम पर सेकेंड एम एम पर सेकेंड अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसकी स्पीड एम एम पर सेकेंड में नापी जाती है तो अगेन आंसर इज थर्मल प्रिंटर और मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है 80 एम एम पर सेकेंड की ठीक थर्मल प्रिंटर को डिटेल में हम लोगों ने समझ लिया आगे बढ़ते हैं इंकजेट प्रिंटर के दर्शन करते हैं है ना तो हाथ जोड़ के बैठिए इंकजेट प्रिंटर के दर्शन होने वाले हैं क्या है ये इंकजेट प्रिंटर बहुत ही शानदार बहुत ही शानदार इंकजेट प्रिंटर देखिए अभी मैंने एक पॉइंट तो आपको बता दिया और आपको समझ में भी आ गया कि बैंक के अंदर जो प्रिंटर यूज होता है वो है आपका इंकजेट प्रिंटर ऐसा कहां पर लिखा हुआ है आरबीआई की गाइडलाइंस में साफ साफ दिया है अब अगर कोई बैंक लेजर यूज करना चाहता है तो वो इसकी अपनी इच्छा लेकिन आंसर हमेशा क्या होगा इंकजेट होगा बात समझ में आ गई दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो प्रिंटर जिसमें इंक का यूज होता है कॉमन सेंस विच इज कॉमन इन एवरीबडी दैट इज इंकजेट प्रिंटर वो प्रिंटर जिसमें इंक का यूज होता है इंकजेट है तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा इधर उधर मत देखो ध्यान से पढ़ो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इंकजेट प्रिंटर वो प्रिंटर होता है जो क्या करता है यानी इंक तो प्रोड्यूस करता ही करता है लेकिन इसके साथ में इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ये इंक जब प्रोड्यूस करता है तो इसकी कॉस्ट भी बढ़ती है क्यों क्योंकि यहां पर कार्टेज का यूज होता है किसका इस्तेमाल होता है कार्टेज का यूज होता है किसका इस्तेमाल होता है कार्टेज का यूज होता है और वो प्रिंटर जो अलग अलग कलर में प्रिंट करने में कैपेबल है और बेस्ट क्वालिटी में कलर्ड प्रिंट करता है वो प्रिंटर कौन सा है तो अगेन आंसर है आपका इंकजेट प्रिंटर है जो अलग अलग कलर में प्रिंट करने में कैपेबल है और बेस्ट क्वालिटी प्रिंट देता है घरों में ऑफिस में कौन सा प्रिंटर यूज है ध्यान से देखिए यही वो प्रिंटर है जिसका इस्तेमाल घरों में किया जाता है और ऑफिस में किया जाता है ज्यादा तौर पे क्लियर है चलो नेक्स्ट ये देखो पॉपुलर चॉइस फॉर होम एंड ऑफिस प्रिंटिंग यानी ये पॉपुलर चॉइस है किसके लिए होम और ऑफिस प्रिंटिंग के लिए ये सबसे बेस्ट है यानी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो अगर पूछा जाए घरों में या ऑफिस में यूज होने वाला इंकजेट दूसरा प्रिफर्ड फॉर प्रिंटिंग फोटोज एंड ग्राफिक्स आपकी जहां फोटो खिंचती है उनके पास भी जो प्रिंटर है वो भी इंकजेट है अगेन ध्यान रखिए फिर से रिपीट कर रहा हूं जहां आप फोटो खिंचवाते हैं है ना वहां पर भी जो आपकी फोटो खिंचती है वो इंकजेट है लेकिन मैं यहां पर आपके आधार कार्ड की फोटो की बात नहीं कर रहा हूं है ना उसमें बहुत ही थर्ड क्लास प्रिंटर का यूज होता है है ना तो जनता माफ़ नहीं करेगी आधार कार्ड वाले प्रिंटर को है ना तो उन प्रिंटर की बात नहीं कर रहा उसी प्रिंटर की बात कर रहा हूं जो आपकी सुंदर सी फोटो निकाल के देता है जिसको आप लोग बार बार देखते हैं वही सुंदर सी फोटो इंकजेट प्रिंटर के लिए यूज की जाती है है ना और वो आपके शादी में भी काम आती है है ना जब कोई मांगता है तो आप भेज देते हैं उसको तो ये इंकजेट प्रिंटर की वजह से ही होता है तो कई लोगों की शादी करवाने में भी इंकजेट प्रिंटर का बहुत ही बड़ा योगदान है है ना तो ये शादी राम घर जोड़े हैं एक तरीके से आप कह सकते हैं चलो अगला पॉइंट इंक कार्टेज आर यूज इन दिस अब देखो ये इंपॉर्टेंट है अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि इंक कार्टेज का इस्तेमाल किसमें हो रहा है तो आंसर क्या होगा इंक जेट लेकिन किंतु परंतु कहानी में ट्विस्ट है याद रखिएगा ट्विस्ट क्या है ध्यान से समझिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि कार्टेज का इस्तेमाल किसमें होता है अगर अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कार्टेज का इस्तेमाल होता है तो आंसर एक नहीं दो प्रिंटर होंगे कौन कौन से एक तो इंकजेट भाई साहब और दूसरा आपके थर्मल प्रिंटर भाई साहब सॉरी इंकजेट और लेजर प्रिंटर आई एल आई एल आई और एल ऐसे प्रिंटर हैं यानी इंकजेट और लेजर ऐसे प्रिंटर हैं जिनमें कार्टेज का इस्तेमाल होता है लेकिन काम अलग अलग है इंकजेट प्रिंटर में इंक कार्टेज का इस्तेमाल होता है और लेजर प्रिंटर में पाउडर कार्टेज का इस्तेमाल होता है या टोनर कार्टेज का इस्तेमाल होता है फिर से रिपीट कर रहा हूं ध्यान से समझिएगा इंकजेट प्रिंटर में इंक कार्टेज का इस्तेमाल लेजर प्रिंटर में पाउडर कार्टेज या टोनर कार्टेज का इस्तेमाल अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा अगर एग्जाम में पाउडर कार्टेज लिख दिया तो लेजर होगा अगर एग्जाम में ड्राई इंक लिख दिया ड्राई इंक का मतलब सूखी इंक और सूखी इंक का मतलब पाउडर पाउडर बन गया तो लेजर बात समझ में आ रही है यानी देखो पूरी कोशिश करता है आरआरबी है ना वो कहेगा छोड़ेंगे नहीं इतना कंफ्यूज कर देंगे तो पूरी कोशिश होती है आपको कंफ्यूज करने की लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है ड्राई इंक पूछें लेजर होगा नॉर्मल इंक पूछें इंकजेट होगा पाउडर पूछें लेजर होगा नॉर्मल इंक पूछें इंक जेट होगा टूनर पूछें लेजर होगा नॉर्मल इंक पूछें इंकजेट होगा क्लियर है क्लियर है गाइस <laughs> देखो बीच बीच में ब्यूटी भी प्रो हो जाती है ना लाइट का इंपैक्ट पड़ता है तो वो प्रो ब्यूटी है चलो क्लियर हो गया यहां तक आगे देखो इस स्पीड इज इक्वल्स टू पीपीएम इंकजेट प्रिंटर की बात करें या फिर बात करें लेजर प्रिंटर की इंकजेट प्रिंटर की बात करें या लेजर प्रिंटर की बात करें इन दोनों ही प्रिंटर की स्पीड को पीपीएम यानी पेजेस पर मिनट में डील किया जाता है किसमें डील किया जाता है पेजेस पर मिनट में कितनी स्पीड होती है इंकजेट की तो आंसर है एक मिनट में तेरह से पंद्रह पेजेस पर मिनट निकालते हैं स्पीड ऑफ इंकजेट प्रिंटर क्लियर है गाइस चलो लेजर प्रिंटर के दर्शन करते हैं है ना तो अगेन हाथ जोड़ के बैठ जाइए भक्तजनों पेश है आपकी खिदमत में लेजर प्रिंटर ठीक अब देखो किसी ने यहाँ पर एक एडवाइस दी थी कि सर इनकी इमेजेस भी दिखा देते देखो इमेजेस तो हम दिखा देते लेकिन इमेज दिखाने से बहुत ज्यादा फायदा आपको एग्जाम में नहीं मिलने वाला और कॉन्सेप्ट में भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलता क्योंकि इमेज में सिर्फ आउटर उसका पार्ट आता है इनर पार्ट नहीं आता है ना और बाहर से देखने में तो सब एक जैसे हैं सब भाई भाई हैं अंदर से अगर आप देखेंगे तो फिर हर एक के काम में अलग अलग है ना जैसे कि मैं बता रहा हूं इसलिए मैंने यहां पर इमेजेस को इनबिल्ड नहीं किया है चलो लेजर प्रिंटर क्या है बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी लेजर प्रिंटर प्रिंटर यानी एक ऐसा है जो लेपी टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है आप जानते हैं ना फोटो कॉपी करवाने जाते हैं आप दुकान के पास में और एक बड़ा सा प्रिंटर उनके पास में रखा रहता है यानी जिससे फोटो कॉपी निकलती है बड़ा सा नहीं होता ना नॉर्मली होता है लेजर प्रिंटर कहें तो साइज में छोटा होता है बड़ा नहीं होता तो यानी आंसर क्या होगा लेजर प्रिंटर होगा अगला यूज टोनर या पाउडर अब हमने आपको बता भी दिया इंक भी यहां पर होती है लेकिन कैसी इंक होती है ड्राई इंक होती है इसका मतलब टोनर दिया हो पाउडर दिया हो ड्राई इंक दिया हो इन सभी केसेस में या माइक्रोस्कोपिंग इंक दिया हो इन सभी केसेस में लेजर प्रिंटर आंसर होगा क्लियर है क्लियर है गाइस माइक्रोस्कोपिक इंक पार्टिकल मतलब बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल और छोटे छोटे पार्टिकल मतलब पाउडर है ना छोटे छोटे पार्टिकल मतलब पाउडर आगे बढ़ो स्पीड इज इक्वल टू पीपीएम जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि चाहे वो इंकजेट भाई साहब हो चाहे वो लेजर भाई साहब हो इन दोनों ही केस में जो स्पीड है वो पीपीएम में नापी जाती है और आपके इंकजेट प्रिंटर की स्पीड कितनी थी 10 टू 15 पीपीएम इसकी कितनी है That is 100 पीपीएम इसीलिए इस्तेमाल किसका किया जाता है ज्यादातर लेजर प्रिंटर का क्या बैंक में करते हैं अरे भाई बैंक सरकारी है ना तो यानी काम भी कैसा सरकारी तो कौन सा प्रिंटर यूज होगा इंकजेट सस्ता मद्दा टिकाऊ सुंदर सुशील इंकजेट चलो अगला पॉइंट फास्टेस्ट प्रिंटर विच इज दिंटर यहां भी घुमाते हैं, यहां भी घुमा देते हैं। कैसे जरा ध्यान दीजिएगा जरा सा ध्यान दीजे दीजे। दीजे ना चलो देखो अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि इनमें से कौन सा फास्टेस्ट प्रिंटर है अगर ऑप्शन में हो लेजर तो आंसर होगा लेजर लेकिन किंतु परंतु अगर ऑप्शन में गिवन हो प्लॉटर तो आंसर क्या होगा प्लॉटर बिल्कुल सही याद रखिएगा अगर एग्जाम में गिवन हो लेजर तो आंसर होगा लेजर लेकिन अगर एग्जाम में गिवन हो प्लॉटर तो आंसर होगा प्लॉटर सर अगर दोनों गिवन हो तो क्या करेंगे मैं समझ गया आप सर से क्या पूछना चाहते हैं ध्यान से सुनिए अगर ऑप्शन में लेजर भी गिवन हो और प्लॉटर भी गिवन हो तो दोनों में से सही जवाब क्या होगा बिल्कुल जनाब दी सही आंसर इज प्लॉटर क्योंकि लेजर प्रिंटर का जो एडवांस्ड फॉर्म है वो है प्लॉटर वो है प्लॉटर इसका मतलब अगर फास्ट में कहीं भी प्लॉटर हो तो आंख बंद कर लीजिएगा और प्लॉटर पे टिक लगा दीजिएगा लेकिन आंख खोल के चेक जरूर करिएगा सही ऑप्शन पे टिक लगाया है या नहीं बात समझ में आ गई यानी पहली प्रायोरिटी प्लॉटर को देंगे और दूसरी प्रायोरिटी किसको देंगे लेजर भाई साहब को देंगे क्या यह बात क्लियर है क्या यह बात क्लियर है अब आप पूछेंगे कि सर यह तो हमें समझ में आ गया लेकिन प्लॉटर अगर आप नहीं समझाएंगे तो समझ में कैसे आएगा बिल्कुल प्लॉटर हम समझाएंगे अभी देखिएगा तो करिए दर्शन हाथ जोड़ के प्लॉटर पे प्लॉटर थोड़ा सा अलग दिखता है इसलिए इसकी फोटो आपके सामने पेश कर दी हमने है ना तो इस तरीके से दिखता है प्लॉटर अब प्लॉटर देखिए क्या है एक बड़ा सा काफी प्रिंटर प्रिंटर है है एडवांस्ड फॉर्म ऑफ यानी अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे नेम द एडवांस्ड फॉर्म ऑफ प्रिंटर नेम द रिवाइज्ड वर्जन ऑफ प्रिंटर प्रिंटर का बहुत ही बेहतरीन टाइप कौन सा है तो प्लॉटर है ध्यान से देखिए अब ये किस में काम आता है जरा इसको समझ लेते हैं आपकी बाइक आपकी स्कूटी है ना बहुत प्यारी होती है स्कूटी बाइक जब नहीं, नहीं, नहीं लेता इंसान तो उसके पीछे आप लोग क्या करते हैं नंबर प्लेट लगवाते हैं नंबर प्लेट पे जो नंबर होता है वो किसके थ्रू बनता है प्लॉटर के थ्रू बनता है आना? और देखते हैं जब आप घर बनवाते हैं आना? तो एक आर्किटेक्चर को बुलवाते हैं और वो आर्किटेक्चर आपके घर के नक्शे को बना के लाता है वो नक्शा भी किस में बनता है प्लॉटर में बनता है यानी ब्लू प्रिंट बनवाने के लिए हाउस आर्किटेक्चर का ब्लू प्रिंट डिजाइन करने के लिए प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है बड़े बड़े बैनर आपने देखे होंगे है ना पोस्टर लगवा दो समझ में आ गया वही पोस्टर तो पोस्टर की अगर हम बात करें बैनर की बात करें खर्चों की बात करें जो बड़े-बड़े होते हैं है ना वो सब कहां बनते हैं प्लॉटर में कहां बनते हैं यानी इन सब के लिए प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है कैड और कैम ये भी इंपॉर्टेंट है जरा ध्यान दीजिएगा कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग या कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग ये भी जो काम होता है वो भी प्लॉटर में ही होता है यानी कैड और कैम जैसे काम के लिए भी प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है क्लियर है हाँ बिल्कुल सही मुनीष राणा जी कह रहे हैं प्लॉटर पापा हैं लेजर की बहुत बढ़िया है ना तो लेजर प्रिंटर के पापा हैं प्लॉटर ठीक तो पापा कह सकते हैं चाचा कह सकते हैं ताऊ कह सकते हैं चलो आगे बढ़ो अब प्लॉटर के बारे में कुछ झलकियां पेश है यूज फॉर प्रिंटिंग ग्राफिक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा कौन सा प्रिंटर है एग्जाम में प्लॉटर नहीं मिलेगा क्या मिलेगा प्रिंटर ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो वेक्टर ग्राफिक प्रिंट करता है तो जिसने सचिन अरोड़ा सर से नहीं पढ़ा वो लगाएगा लेजर और जिसने सचिन अरोड़ा सर से पढ़ लिया वो लगाएगा प्लॉटर बात समझ में आ गई यही इन एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं यूज्ड फॉर प्रिंटिंग वेक्टर ग्राफिक वेक्टर ग्राफिक मतलब हाई क्वालिटी ग्राफिक्स इज कॉल्ड वेक्टर ग्राफिक है ना तो वेक्टर ग्राफिक के लिए प्लॉटर का इस्तेमाल आगे आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर्स यूज प्लॉटर टू ड्रॉ ब्लू प्रिंट अभी मैंने आपको बताया कि घर बनाने आते हैं वो आपको एक बड़े से परचे में दिखाते हैं बड़े से क्या कह सकते हैं बैनर में दिखाते हैं है ना? कि यहां बेडरूम होगा यहां हॉल होगा यहां किचन होगा देख लीजिए है ना तो वो प्लॉटर है आगे बढ़ो ये बहुत खास है जरा ध्यान दीजिएगा प्लॉटर कितने तरीके के होते हैं तो आंसर है दो तरीके के होते हैं ड्रम और फ्लैट बेड कौन कौन से ड्रम और फ्लैट बेड ये दो तरीके के प्लॉटर है और ये क्वेश्चन जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है ड्रम और फ्लैट बेड ये दो तरीके के आपके प्लॉटर होते हैं और एक क्वेश्चन एग्जाम में और बनता है कि ड्रम आपने शायद नोटिस किया हो जब मैंने आपको इंपैक्ट प्रिंटर पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले तो उसमें भी आपने ड्रम देखा था यानी ड्रम एक तरीके का इंपैक्ट प्रिंटर भी है और ड्रम एक तरीके का प्लॉटर भी है अब क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनो एक क्वेश्चन पूछते हैं कि इनमें से ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो प्लॉटर भी है ध्यान से समझिएगा इनमें से ऐसा कौन सा नाम है जो प्रिंटर भी है और प्लॉटर भी है फिर घुमा दिया क्वेश्चन को है ना तो जिसको यह पता होगा कि ड्रम इंपैक्ट प्रिंटर है और जिसको यह पता होगा कि ड्रम प्लॉटर भी है है ना वही इसका आंसर लगा पाएगा तो बिल्कुल याद रखिएगा ड्रम आपका प्लॉटर भी है और ड्रम आपका इंपैक्ट प्रिंटर भी है क्लियर है क्लियर है बहुत बढ़िया अगला ड्रम प्लॉटर हैव लोअर रेजोल्यूशन देन फ्लैट बेड, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर दोनों में क्या अंतर है किसका रेजोल्यूशन ज्यादा बेहतर है तो आंसर है ड्रम प्लॉटर रेजोल्यूशन यानी ड्रम कम हल्का है कम अच्छा है और फ्लैट बेड जो है वो ज्यादा अच्छा है तो विच वन बेटर इन कंपेरिजन टू मुनीश राणा जी कह रहे हैं सर आप हर टॉपिक को ऐसे समझाओगे तो फुल मार्क्स आने पक्के चलो, देखो और कैसे ऐसे ही तो समझाएंगे तभी तो फुल मार्क्स लाओगे और कंप्यूटर में फुल मार्क्स नहीं लाओगे तो क्यों पढ़ोगे ये बताओ फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स के लिए तो पढ़ रहे हो यहां पे पांच दस नंबर तो हर कोई ले आएगा चलो अब देखो प्लॉटर ड्रम प्लॉटर में और आपका में क्या अंतर है? जरा इसको ध्यान से समझिएगा बहुत ध्यान से समझो दोनों में क्या अंतर है एक लाइन बस याद रखना ज्यादा नहीं सिर्फ एक लाइन ड्रम प्लॉटर क्या है इट पिन पेपर बैक एंड फोर्थ समझो ड्रम प्लॉटर में क्या करते हैं पेपर को मूव करते हैं पेपर का मूवमेंट हो ड्रम है पेपर को आगे पीछे करोगे तो ड्रम है फिर से रिपीट कर रहा हूं पेपर को हिलाओगे तो ड्रम है ठीक और पेपर को नहीं हिलाओगे तो क्या है बिल्कुल सही तो फ्लैट बेड है देखो इट पिंस द पेपर बैक एंड फोर्थ ऑन अ सिलेंड्रिकल ड्रम सिलेंड्रिकल ड्रम में पेपर को आगे पीछे करने का काम ड्रम का है वाइल दूव लेफ्ट एंड राइट जबकि पेन आपका लेफ्ट और राइट मूव करता है ऑल्सो नोन रोलर प्रिंटर और इसे रोलर प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है इसका मतलब अगर हम कंक्लूड करें सिंपल शब्दों में बोले तो पेपर भी हिल रहा है और यहां पर पेन भी हिल रहा है तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा जरा ध्यान से समझिएगा ऐसे प्रिंटर का नामकरण करिए जिसमें पेपर भी हिलता है जिसमें पेन भी हिलता है ड्रम है क्लियर है आगे बढ़ो फ्लैट फ्लैट बेड, बेड प्लॉटर ऐसा प्लॉटर जिसमें पेपर रिमेन्स स्टेशनरी जिसमें पेपर नहीं हिलता जिसमें पेपर फिक्स रहता है है ना ऐसा प्लॉटर कौन सा है बेड प्लॉटर OK. है फ्लैट बेड प्लॉटर है ठीक अब देखो बेड है ना बेड को कैसे बनाया जाता है कि उस पे जितना भी आप लोड डालें वो हिले नहीं है ना तो इसको ऐसे याद रखो तो पेपर रिमेन स्टेशनरी मतलब बेड रिमेन स्टेशनरी तो पेपर बिल्कुल फिक्स है ये है आपका फ्लैट बेड प्लॉटर ऑन अ फ्लैट सरफेस व्हाइल अ पेन मूव्स अक्रॉस इट लेकिन पेन घूमता है अब ऐसा तो है नहीं कि पेन भी फिक्स हो जाएगा है ना और पेपर भी फिक्स हो जाएगा ना ना पेपर फिक्स होगा पेन चलता रहेगा उसके ऊपर यह है आपके फ्लैट बेड प्लॉटर का शानदार प्रयोग इट इज यूज विद मैनी कैड प्रोग्राम और कई सारे कैड प्रोग्राम के साथ इसका यूज किया जाता है क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ड्रम प्लॉटर अच्छा है कि फ्लैट बेड आपने कहा सर अभी आपने बताया फ्लैट बेड बेहतरीन है क्लियर है फ्लैट बेड बेहतरीन है क्लियर है आगे बढ़ो तो यहां से हमें क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ड्रम में हर चीज हिलती रहती है है ना ड्रम देखते हैं ना शादी बारातों में ड्रम बसते हैं तो हर चीज हिलती है फ्लैट बेड क्या है जिसमें पेपर आपका फिक्स रहता है लेकिन पेन आपका चलता रहता है फ्लैट बेड है क्लियर है चलो अब इसी के साथ प्रिंटर का पूरा कॉन्सेप्ट प्लॉटर का पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में प्रिंट हो चुका है है ना मैं ये मान के चलता हूं अगर ये प्रिंट हो गया तो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है तैयार हैं गाइज आप लोग तैयार हैं यहां पर क्वेश्चन के लिए चलो फटाफट एक एक करके जल्दी जल्दी देखेंगे ये प्रिंटर के क्वेश्चन बहुत तेजी के साथ बताते जाइए अब आंसर अब आपकी बारी है मेरा काम खत्म आपकी कहानी शुरू जितना आपने पढ़ा अभी सेशन में अगर अच्छे से पढ़ा है तो 30 में से 30 क्वेश्चन आपके सही होंगे बताओ प्रिंटर इज इनपुट आउटपुट स्टोरेज प्रोसेस ऑल ऑफ दीज बिल्कुल जनाब आउटपुट डिवाइस सेकेंड आगे बढ़ो प्रिंटर इज यूज टू जनरेट प्रिंटर का इस्तेमाल क्या जनरेट करने के लिए किया जाता है सॉफ्ट कॉपी स्मूथ कॉपी हार्ड कॉपी ऑल ऑफ दीज नन ऑफ दीज बिल्कुल सही यानी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है आंसर क्या है थर्ड हार्ड कॉपी क्लियर है देखें कितने लोगों ने सही दिया थर्ड 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 शानदार अगला स्पीड ऑफ मॉडर्न प्रिंटर आर मेजर्ड इन मॉडर्न प्रिंटर की स्पीड को किसमें नापा जाता है जल्दी बताइए सीपीएम डीपीआई एलपीएम पीपीएम नन ऑफ दीस सर हलवा क्वेश्चन लग रहा है बिल्कुल अब तो है ना क्योंकि अभी आपने बताया लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर इन दोनों की स्पीड को पीपीएम में नापते हैं तो लगाओ बेटा फोर पीपीएम पेजेस पर मिनट सही जवाब अगला क्वेश्चन विच प्रिंटर इज यूज टू तो प्रिंट वन लाइन एट अ टाइम ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो एक लाइन एक समय में प्रिंट करता है कॉमन सेंस की बात है सर बहुत आसान है लाइन की बात हो रही है तो लाइन प्रिंटर ही तो होगा है ना लाइन की बात हो रही है लाइन प्रिंटर लगाओ आगे बढ़ो विच प्रिंटर मेक्स नॉइज फाइल प्रिंटिंग ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो आवाज करता है प्रिंट करते समय करता है बहुत बेकार प्रिंटर होगा अगर आवाज करता है बेकार मतलब इम्पैक्ट है ना इंपैक्ट दिया है क्या बिल्कुल है सही होगा इंपैक्ट नॉन इंपैक्ट प्रिंटर क्या नॉइस पैदा करेगा बिल्कुल नहीं मक्खन की तरीके से चलेगा Non clear है। आगे बढ़ते हैं अब देखो थर्मल इंकजेट लेजर ये सब आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के ही एग्जाम्पल हैं तो आंसर क्या होगा इम्पैक्ट होगा आगे बढ़ो स्पीड ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज इन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड को किसमें मेजर किया जाता है सर डॉट मैट्रिक्स आपने बताया था सबसे पहले स्टार्टिंग ही इससे हुई थी है ना सर डॉट मैट्रिक्स मतलब करेक्टर एक एक करेक्टर एक समय में प्रिंट करता है और आपने बताया भी था वहां पर डॉट बोले या करेक्टर बोले बात एक ही है 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 ना चलो तो आंसर क्या है? करेक्टर पर करेक्टर पर क्लियर डॉट बोले करेक्टर बोले बात एक ही अगला प्रिंटर रेजोल्यूशन इज इन प्रिंटर के रेजोल्यूशन को किसमें नापा जाता है तो मैंने बताया था बहुत अच्छे से जल्दी बताइए बिल्कुल सही गाइस रेजोल्यूशन की बात करें तो इसका मतलब क्वालिटी और क्वालिटी के लिए है डीपीआई डॉट पर इंच यानी फोर्थ डॉट पर इंच यानी कि फोर्थ अगला विच प्रिंटर कैन नॉट प्रोड्यूस ग्राफिक्स आउटपुट बताइए बहुत ही शानदार एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए बताओ और कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि ये कितने क्वेश्चन आपने सही किए थर्टी में से जरूर बताइएगा विच प्रिंटर कैन नॉट प्रोड्यूस ग्राफिक आउटपुट जो पहली बार सेशन देख रहे हैं है ना उनको मैं बता दूं कि क्लर्क के लिए जितने क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं जितने चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं जितने वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं है, वो सब मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देंगे है ना एक बार जरूर देख लेना कि कोई सेशन मिस तो नहीं हुआ आपसे चलो बिल्कुल सही कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक डेजी विल प्रिंटर ग्राफिक प्रिंट नहीं कर सकता लेजर प्रिंटर इज इन्वेंटेड बाय बताओ लेजर प्रिंटर किसने बनाया इंटेल ने जीरोक्स ने सोनी ने एचपी पी में या नन ऑफ दीस ये थोड़ा सा नया है है ना बताओ लेजर प्रिंटर किसके द्वारा बनाया गया बिल्कुल सही गाइस एंड द करेक्ट आंसर इज जीरोक्स किस कंपनी के द्वारा जीरोक्स कंपनी के द्वारा बनाया गया क्लियर है है ना आंसर क्या है जीरोक्स लेजर प्रिंटर की बात हो रही है है ना आप कुछ लोग एचपी आंसर करेंगे देखो एचपी मैंने आपको क्या बताया था है ना ये हमने आपको बताया था एचपी तो बेसिकली प्रिंटर में बहुत टाइम बाद आया है ना तो एचपी का नाम तो उठता ही नहीं है तो बिल्कुल आंसर जीरोक्स होगा लगाओ आंसर आगे बढ़ो अब देखो यहां पर गैरी स्टाक वेदर यह नाम याद रखना मिस्टर गैरी है ना मिस्टर गैरी स्टाक वेदर

हाँ, बिल्कुल मुनीष राणा जी एचपी नहीं एप्सोन हमने बताया था पी वन जीरो वन ये आपका पहला प्रिंटर है विच प्रिंटर डज नॉट प्रोड्यूस कलर प्रिंट एंड दी करेक्ट आंसर इज थर्मल प्रिंटर लगाओ अभी समझाया था क्लियर है अगला विच प्रिंटर इज बेटर सोल्यूशन फॉर बिजनेस वो प्रिंटर जो बिजनेस के लिए बहुत ही बढ़िया है वो प्रिंटर कौन सा है बताइए है ना मैंने आपको बताया था कि इंकजेट प्रिंटर का भी इस्तेमाल होता है और बिजनेस के लिए लेजर प्रिंटर भी लेकिन पहली प्रायोरिटी इंकजेट को हम ज्यादा देते हैं क्या इंकजेट है नहीं है क्या लेजर है बिल्कुल है लगा दो लेजर है ना अगर इंकजेट होता तो पहली प्रायोरिटी हम किसको देते इंकजेट को बिजनेस के लिए और अगर इंकजेट नहीं है तो आंसर किस पर आ जाएगा लेजर पे अगला क्वेश्चन विच प्रिंटर इज यूज फॉर एरो स्पेस इंजीनियरिंग एंड आर्कियोलॉजी एरो स्पेस के लिए इंजीनियरिंग के लिए या आर्कियोलॉजी के लिए किस प्रिंटर का इस्तेमाल होता है तो आप जानते हैं इसके लिए हल्का फुल्का प्रिंटर तो यूज होगा नहीं इसके लिए थ्री प्रिंटर का इस्तेमाल होता है याद रखिएगा थ्री प्रिंटर क्लियर है guys? अगला क्वेश्चन बताइए विच प्रिंटर इज यूज फॉर बैंकिंग एयरलाइन ग्रोसरी और एंटरटेनमेंट ऐसा प्रिंटर जो बैंक में एयरलाइन में ग्रोसरी स्टोर में एंटरटेनमेंट के लिए बिल्कुल सही एंड दी करेक्ट आंसर इज थर्मल प्रिंटर अभी मैंने आपको बताया था एटीएम मशीन में तो मतलब है तो होगा? थर्मल होगा अगला विच प्रिंटर इज वेरी कॉमनली यूज फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग डेस्कटॉप पब्लिशिंग का मतलब डी काम के लिए जैसे ग्राफिक्स बनाने के लिए ना तो ऐसी जगहों पर कौन सा प्रिंटर यूज होता है थर्मल डॉट मैट्रिक्स, डेजी विलजर लेज़र। डीटीपी का मतलब इमेजेस बनाने के लिए है ना खास तौर पे। तो इमेजेस के लिए हल्का तो यूज होगा नहीं लेज़र प्रिंटर का यूज होगा लगा दो क्लियर है वेरी गुड अगला क्वेश्चन ड्राई इंक पाउडर इज यूज इन विच टाइप ऑफ प्रिंटर ड्राई इंक पाउडर का इस्तेमाल किस तरीके के प्रिंटर में किया जाता है सूखी इंक है है ना पाउडर बन चुकी है बताओ थर्मल होगा डॉट मैट्रिक्स डेजी व्हील लाइन या लेजर बिल्कुल सही सर पाउडर आज आ गया आपने बताया था कि ऐसा प्रिंटर जहां पर पाउडर कार्टेज के रूप में यूज होता है वो है लेजर प्रिंटर बिल्कुल सही विच प्रिंटर रिक्वायर स्पेशल पेपर फॉर प्रिंटिंग बताओ वो प्रिंट प्रिंटर जिसमें प्रिंट करने के लिए एक स्पेशल पेपर की रिक्वायरमेंट होती है और वो पेपर कौन सा था थर्मोक्रोमिक पेपर पेपर कौन सा था थर्मोक्रोमिक पेपर और प्रिंटर कौन सा है थर्मल प्रिंटर बिल्कुल सही थर्मल प्रिंटर क्लियर है अगला विच ऑफ दी फॉलोइंग इज अ पेज प्रिंटर इनमें से ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसे पेज प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है थोड़ी सी रीजनिंग का इस्तेमाल करो आंसर आपके पास होगा बताओ ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो पेज प्रिंटर की कैटेगरी में आएगा अब देखो मैंने आपको बताया था कि लेजर प्रिंटर है ना और इंकजेट प्रिंटर इन दोनों की स्पीड को पीपीएम में नापा जाता है पेजेस पर मिनट में नापा जाता है तो इसका मतलब इंकजेट और लेजर ये दोनों आपके पेज प्रिंटर की क्राइटेरिया में आएंगे क्या इंकजेट गिवेन है ना क्या लेजर गिवेन है हा तो आंसर लगाओ लेजर घर ले जाओ आंसर क्लियर है जेब में रख के घर ले जाओ क्लियर है चलो इज क्लियर इसका आंसर गलत दे रहे हैं आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं बताओ अभी मैंने आपको समझाया था कि पीपीएम स्पीड किसकी किसकी होती है पीपीएम का मतलब पेजेस मिनट है ना तो लेजर प्रिंटर है और इंकजेट है उसी की तो स्पीड होती है चलो विच ऑफ प्रिंटर यूजेस फोटो कॉपी टेक्नोलॉजी टू प्रिंट बताओ ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसमें फोटो कॉपी टेक्नोलॉजी का यूज होता है मैंने बताया भी था कि यह वो प्रिंटर है जो फोटो कॉपी मशीन के तरीके से एक्ट करता है बिल्कुल सही लेजर प्रिंटर क्लियर है आंसर सही दे पा रहे हैं या नहीं एक बार फटाफट यस या नो में जवाब दीजिएगा वेरी गुड अगला टीनी ड्रॉपलेट ऑफ कलर्ड इंक एंड नोजल इज एसोसिएटेड विद टीनी ड्रॉप मतलब छोटे छोटे ड्रॉप कलर्ड इंक की बात हो रही है बताओ ink मिल गया है ना तो अब तो सोचना ही नहीं पर कलर्ड इंक मिल गया तो बिल्कुल नहीं सोचना इंक जेट प्रिंटर लगा दो बिल्कुल सही है है ना मैंने आपको बताया था कि इंक का यूज किस में होता है इंकजेट में और कलर्ड कलरफुल इंक का यूज किस में होता है इंकजेट में बिल्कुल सही है आगे बढ़ो पर मिनट प्रिंटिंग स्पीड ऑफ लार्ज लेजर प्रिंटर इज बताओ पर मिनट प्रिंटिंग स्पीड यानी कह रहा है एक बड़ा सा लेजर प्रिंटर है इसकी जो पर मिनट स्पीड है प्रिंट करने की वो कितनी है तो इसको याद कर लीजिए इसका सही आंसर है 150 पेजेस यानी 150 पेज इसका बिल्कुल सही जवाब है तो पहला लगाइए इसका आंसर क्लियर याद रहेगा ना 150 फिफ्टी यानी सेंचुरी के बाद हाफ सेंचुरी 150 अगला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसा होता है यूनि डायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल ट्राई डायरेक्शनल रैंडम या नन ऑफ दीज बिल्कुल सही एंड दी करेक्ट आंसर इज बाई डायरेक्शनल प्रिंटर यानी जो आपका डॉट मैट्रिक्स पुराने समय में यूज होने वाला प्रिंटर है जिसे करेक्टर मैट्रिक्स प्रिंटर भी बोलते हैं ये आपका बाई डायरेक्शनल होता है कैसा होता है बाई डायरेक्शनल अगला विच टेक्नोलॉजी इज यूज इन थ्री डी प्रिंटर फॉर प्रिंटिंग किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं थ्री डी प्रिंटर में प्रिंट करने के लिए वेरी गुड बीना त्रिपाठी जी का एक क्वेश्चन है सर थर्मल प्रिंटर को किसमें प्रिंट करते हैं देखो जितने भी आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं उन सबको पेजेस पर मिनट में ही प्रिंट किया जाता है डील किया जाता है है ना तो आंसर क्या होगा अगेन पीपीएम होगा एज वेल एज आपका प्लॉटर है है ना इसकी स्पीड को भी पीपीएम में ही नापा जाता है प्लॉटर की स्पीड को भी पीपीएम में ही मेजर किया जाता है यानी पेजेस पर मिनट ही रहता है बिल्कुल सही द आंसर इज फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग यानी थर्ड इसका सही आंसर है ये गलत हो सकता है शायद आपका है ना याद रखिएगा इसको कि जो थ्री प्रिंटर होते हैं इसमें जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है यह है आपकी फ्यूज डेपोजिशन मॉडलिंग क्लियर है आगे बढ़ते प्रिंटर इज कनेक्टेड विथ विच पोल्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया है ना आई होप कि आपने सारे प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे बताओ सीरियल पोल्ट पैरल पोल्ट एच डी एम आई पोल्ट एस सी एस आई या एम आई डी आई क्या होगा सही जवाब बिल्कुल सही मैंने कई बार आपको बताया है कि प्रिंटर आपका पैरल पोल्ट से कनेक्टेड होता है तो सेकेंड इसका बिल्कुल सही जवाब है लेकिन आजकल प्रिंटर आपका यूएसबी पोल्ट से भी कनेक्टेड होता है ना तो पैरल पोल्ट का यूज पहले होता था लेकिन आजकल यूएसबी पोल्ट का इस्तेमाल होता है तो अगर ऑप्शन में यूएसबी पोल्ट दिया हो और पैरेलल पोल्ट नहीं दिया हो, है ना तो आंसर क्या होगा यूएसबी पोल्ट होगा क्लियर है अगला सीरियल पोल्ट से क्या क्या कनेक्ट होता है माउस की है ना ये सब आपके सीरियल पोल्ट से कनेक्ट होते थे एच पोल्ट आप जानते हैं हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस पोल्ट होता है एस सी एस आई स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस होता है एम आई डी आई आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होता है अगला Continuous लाइन ड्रॉइंग आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग कॉन्टिन्यूस तरीके से लाइन बन रही है किसकी मदद से यह आपको बताना है Continuous line लाइन ड्रॉइंग आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग चैन प्रिंटर wheel प्रिंटर प्लॉटर थर्मल प्रिंटर या नन ऑफ these बिल्कुल सही गाइस आंसर इज प्लॉटर प्लॉटर की खास बात क्या होती है जैसे कि अभी आपने देखा भी कि कॉन्टिन्यूअस तरीके से लाइन यानी ड्रॉइंग बनाना यानी कैड और कैम जैसे काम करना ये काम किसका है प्लॉटर का है क्लियर है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 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 ना ये क्वेश्चन पूछा जा सकता क्योंकि ये क्वेश्चन आसान नहीं है जिसने पढ़ रखा होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा है ना और ऐसे ही क्वेश्चन क्लर्क में पूछेंगे बहुत हलुआ टाइप के क्वेश्चन नहीं आने वाले ठीक है तो जितने मैंने पढ़ा दिए बस यहीं से ही मिलेंगे आप लिख के रख लीजिए टाइप ऑफ प्लॉटर इन विच पेपर इज हेल्ड स्टेशनरी एंड पेपर इज हेल्ड बाई अंडर नीथ सेक्शन इज क्लासिफाइड एज बताइए इस तरीके के प्लॉटर का नाम बताइए जिसमें पेपर स्टेशनरी है आंसर आपके पास आ गया होगा जिसमें पेपर मूव नहीं हो रहा ऐसा कौन सा प्लॉटर है ड्रम फ्लैटबेड डेस्क जेट इंकजेट नन ऑफ दीज सर आपने कहा था बेड नहीं हिलता है ना तो लगा दो फिर अब इसके बाद भी अगर कोई गलत आंसर दे तो फिर हमसे मत कहना है ना मैंने आपको बताया था बेड नहीं हिलता बस यही लगाओ फ्लैट बेड स्टेशनरी मतलब फिक्स कुछ लोग गलत दे रहे हैं मतलब कसम से है ना इतना सरल करके बताया फिर भी तुम लोग गलत कर रहे हो अब मत गलत करना अगला टाइप ऑफ प्रिंटर इनकीस डोंट स्ट्राइक पेपर ड्यूरिंग प्रिंटर वो प्रिंटर जिसमें कीज जो है वो स्ट्राइक नहीं करती पेपर से यानी जो पेपर से टच नहीं करता जो पेपर से इंटरैक्ट नहीं करता जो पेपर से इंपैक्ट नहीं करता वो प्रिंटर कौन सा है सर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर बिल्कुल सही देखो ऑप्शन में कहा गिवन है लेजर नहीं डेजी व्हील बिल्कुल मैट्रिक्स बीम प्रिंटर तो इसमें आंसर क्या बनेगा इसमें लिखा था डोंट स्ट्राइक पेपर यानी बीम स्ट्राइक करता है डेजी व्हील स्ट्राइक करता है डॉट मैट्रिक्स स्ट्राइक करता है लेकिन जो नहीं स्ट्राइक करता है ना वो आपका नॉन इंपैक्ट हो गया यानी क्या होगा लेजर होगा क्या होगा लेजर होगा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर दैट इज लेजर प्रिंटर थर्मल प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर आगे बढ़ो फाउंडर ऑफ प्लॉटर अगेन इंपॉर्टेंट है आप लोगों ने स्टार्टिंग में जाना कि प्रिंटर के फाउंडर कौन थे मिस्टर टी जे टी जी है ना मिस्टर टी जी इज द फाउंडर ऑफ प्रिंटर प्लॉटर के बताइए भाई हु इज़ हुज फाउंडर ऑफ प्लॉटर जल्दी बताइए डोगलस एंजल बर्ट हो नहीं सकते क्योंकि ये माउस के पापा हैं एलन ट्यूरिंग हो नहीं सकते क्योंकि ये कंप्यूटर साइंस के पापा हैं क्रिस्टोफर लैथम शोल्स हो नहीं सकते क्योंकि ये प्रिंटर सॉरी ये कीबोर्ड के पापा हैं है ना क्रिस्टोफर लैथम शोल्स किसके पापा हैं कीबोर्ड के पापा हैं और मिस्टर जेजी है ना यानी जोहान्स गुटेनबर्ग ये प्रिंटर के पापा हैं है। तो बचे अपने रेमिंगटन भाई है ना तो यही हो आपके प्लॉटर के पापा द आंसर इज फिफ्थ मिस्टर रेमिंगटन चाचा इज दी बिल्कुल करेक्ट एंड करेक्ट आंसर ठीक तो आर स्क्वायर याद रखिएगा आर स्क्वायर बिल्कुल करेक्ट है रेमिंगटन रैंड अगला क्वेश्चन एडवांस्ड फॉर्म ऑफ प्रिंटर प्रिंटर का एडवांस्ड फॉर्म बताइए लेजर इंकजेट ड्रम डेजी व्हील या प्लॉटर बताओ भाई वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बिल्कुल सही गाइस अगर प्रिंटर की एडवांस फॉर्म बात करें तो पहले दूसरे और तीसरे ऑप्शन और चौथे ऑप्शन में तो प्रिंटर ही है तो इसका मतलब आंसर होगा प्लॉटर क्या होगा प्लॉटर और जिन स्टूडेंट्स ने सचिन सर से नहीं पढ़ा वो आंसर लगा कर आएंगे लेजर प्रिंटर है ना और अगर आपने मुझसे पढ़ लिया और समझ लिया तो मतलब आप लगा कर आएंगे प्लॉटर यही कंफ्यूजन होता है एग्जाम में कई लोग इसका आंसर लेजर प्रिंटर लगा कर आएंगे है ना ये लिख के रख लीजिए अगला इट अ टाइप ऑफ अ प्लॉटर इन विच पेपर इज हेल्ड ऑन रोटेटिंग ड्रम एंड लाइन्स आर ड्रॉन विद पेन मूवमेंट इज कॉल्ड बताओ देखो क्वेश्चन क्या है ये एक तरीके का प्लॉटर है जिसमें पेपर इज हेल्ड ऑन रोटेटिंग ड्रम यानी जिसमें पेपर भी हिलता है और जिसमें पेन भी हिल रहा है तो बेड तो हो नहीं सकता बेड नहीं हो सकता तो क्या होगा ड्रम होगा जिसमें दोनों चीजें हिल रही हैं वो क्या है ड्रम है लगाओ बेटा ड्रम आगे बढ़ो क्लियर है ड्रम 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 बहुत बढ़िया। ये फ्लैट किसने दिया सैंडी दादा अरे सैंडी भाई साहब क्यों गलत लगा रहे हो चलो याद रखना है ना ड्रम यानी आ, फ्लैट बेड की विशेषता क्या है कि इसमें कांस्टेंट रहता है पेपर है ना बताया था मैंने आपको अभी चलो कंप्यूटर सिस्टम विच यूजेस ड्रम प्लॉटर आर आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ चले हैं जवानों बताओ इसका सही जवाब क्या होगा उस कंप्यूटर का नाम बताइए जिसमें ड्रम प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं मेन फ्रेम में मिनी कंप्यूटर में सुपर कंप्यूटर में वन एंड टू में वन टू एंड थ्री में क्या होगा सही जवाब बताइए भाइयों और बहनों मित्रों बताइए बिल्कुल सही एंड दी करेक्ट आंसर इज वन एंड टू यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर बिल्कुल आपका सही जवाब है इनमें आपके ड्रम प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है ठीक है एक क्वेश्चन आया है मैथ एंटिक्स का कि सर दिस सेशन इज यूजफुल फॉर जेओ एग्जाम देखो अब प्रिंटर से अगर क्वेश्चन आएगा तो किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए इससे बाहर आ ही नहीं सकता क्योंकि पूरी रिसर्च करके जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे जितना भी कॉन्सेप्ट बन सकता था वो सब मैंने पढ़ा दिया तो आज के बाद किसी भी पेपर में अगर प्रिंटर से क्वेश्चन बनेगा तो इसी सेशन से बनेगा वरना नहीं बनेगा क्लियर है चलो सो गाइस आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा पसंद आया हो तो एक बार लाइक करके जरूर बताइएगा चैनल पर नए थे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज, प्लीज 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 सभी को इन्फॉर्म कर दीजिएगा जिनको भी रिक्वायरमेंट है है ना वो इस चैनल पर आए और कंप्यूटर अपना अच्छा करें अगर कोई भी आपको स्टूडेंट पूछता हुआ दिख जाए कि कंप्यूटर कहाँ से पढ़ना है तो प्लीज रिकमेंड कर दीजिएगा कि अरोड़ा एजुकेटर चैनल पर आए ताकि वो अपने समय को बचा पाए और इधर उधर जगह से पढ़कर अपने समय को वेस्ट ना करें क्लियर है गाइस सो थैंक यू वेरी मच है ना कितना स्कोर किया सेशन कैसा लगा अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा है ना मिलेंगे बहुत जल्द एक नए सेशन के साथ टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर थैंक यू वेरी मच गाइस